आपको इंटीग्रेशन करना है कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स का, तो हम लोग को ऐसा चीज मानना है जिसको मानने से दूसरा चीज आ जाए, तो दूसरा चीज क्या है, वन बाई रूट एक्स ना, तो हम लोग को वन बाई रूट एक्स हटाना है, तो रूट एक्स के बराबर क्या मान लेंगे, टी, माना रूट एक्स इज इक्वल टू टी, चूंकि हम लोग जानते हैं रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो देयरफॉर अभी एक क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या करना है, कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, अब ध्यान दीजिए, कॉस कॉस का कॉस लिख दिए, रूट एक्स को क्या लिखेंगे, ठीक है, कॉस का कॉस लिख दिए, रूट एक्स को टी लिख दिए, अब हमें क्या हटाना है, वन वन बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, वन बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, केवल टू को उधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी उसके बराबर क्या होगा, टू डी टी, तो टू कहाँ आ गया, बाहर, और यहाँ का लिख दिए डी टी, तो इंटीग्रेशन निकाल लेंगे हम लोग कॉस टी का, तो क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस सी, ठीक है, और साइन टी, टी किसके बराबर है, रूट एक्स के, तो हो जाएगा टू साइन रूट एक्स प्लस सी, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या चीज को ले लेंगे हम लोग, साइन टू एक्स को टी, तो क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा, आ जाएगा, तो माना sin 2x इज इक्वल टू टी, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin 2x का क्या होता है, cos 2x, लेकिन 2x का भी होगा क्या, 2, तो 2 cos 2x हो गया sin 2x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और dt बटा dx, तो dx इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर क्या हो गया dt, कोई दिक्कत नहीं है, जब हमको dt का इसका जरूरत होगा 1 बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्वेश्चन लिखेंगे, अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस का, रूट अंडर साइन टू एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन टू एक्स को क्या माने हैं, टी, थोड़ा छोटा कर देते हैं, रूट अंडर टी और कॉस टू एक्स डी एक्स, देखो कॉस टू एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू, तो डी टी लिख दिया इधर, अब बाई टू कहाँ रह गया, ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो कहाँ आ गया, बाहर आ गया, इसको एक स्टेप लिख देते हैं, और रूट टी का मतलब क्या हो गया, टी का पावर वन बाई टू का क्या करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए वन बाई टू, टी का पावर वन बाई टू का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, थ्री बाई टू और डिवाइडेड बाई प्लस सी, ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे एक स्टेप, तो वन बाई टू यहाँ गुना में है, ध्यान रखिए वन बाई टू क्या है, गुना में, थ्री बाई टू क्या है, भाग में, तो ये टू और ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या बच गया, टी थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी, ठीक है, टी का वैल्यू क्या माने हैं, तो साइन टू एक्स का पावर थ्री बाई टू बाई थ्री प्लस सी, क्या लिख देंगे, वन बाई थ्री साइन टू एक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ऐसा वन प्लस साइन एक्स बराबर अगर टी मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो माना वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो देयरफॉर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वन का क्या हो जाएगा जीरो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का तो वन हो गया, ये डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स क्या होगा इधर आकर गुना हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बट्टा रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डी टी, आ वन बट्टा रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा टी, ठीक है, रूट अंडर टी हो गया, और कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो गया डी टी, अब ये तो आसान है आपका, वन बटा वन रूट टी का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे, तो रूट टी को ऊपर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर माइनस वन बाई टू, क्योंकि रूट टी का वन बाई टू होता है ना, और नीचे प्लस है तो ऊपर जा क्या हो गया माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन प्लस वन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, वन बाई टू प्लस वन कर देंगे तो, लेकिन डिवाइडेड बाई वन बाई टू रहेगा और प्लस, अब टी का वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग,
पुट कर देंगे तो टी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 जो है ऊपर जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, और टी का वैल्यू भी पुट करना है। तो 1/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना, तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 लिख दिए, और टी का मान क्या हो गया, 1 + sin x का पावर + c। इसको क्या 2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √1 sin x + c। ध्यान देते हैं cot x log sin x क्या पुट करना, यही इंपॉर्टेंट है आपका माइंड में, यही अगर आ गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग अगर log sin x को t मानते हैं तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, log का, तो log का log sin x का होगा तो क्या हो जाएगा, 1/log x का क्या होता है, 1/x, तो log sin x का क्या हो जाएगा, 1/sin x, ठीक है। और फिर sin x का होगा तो क्या हो जाएगा, cos x, तो क्या आ जाएगा, cos x बटा sin x, यानी क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा दूसरा आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग माना क्या चीज़ के बराबर मान लेंगे, log sin x इक्वल टू टी, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन होगा तो log sin x का क्या होता है, 1/sin x, और sin x का क्या होगा, cos x, ठीक है। और इधर हो जाएगा dt/dx, तो dx इक्वल टू dt लिख दिए, और cos x / sin x क्या हो गया, cot x हो गया ना, तो cot x dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। अब क्वेश्चन लिखते हैं, देयरफॉर किसका इंटीग्रेशन निकालना है, cot x log sin x dx, ठीक है। तो cot x dx बराबर क्या है, dt है, cot x dx इसके जगह तो dt लिख देंगे, और log sin x बराबर क्या लिखेंगे, t, तो इंटीग्रेशन ऑफ t, ये log sin x के जगह लिख दिए, cot x dx के जगह क्या लिख दिए, t का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, t² / 2 प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू क्या है, log sin x, चूंकि क्या है पूरा स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर बटा 2, जिसको 1/2 लिख देता है, ठीक है। तो स्क्वायर और 1/2 हम लोग लिख देते हैं पहले ही, किस लिए, एक स्टेप बढ़ाना, प्लस यही आपका हो गया आंसर। तो हम लोग 1 + cos x बराबर क्या मान लेंगे, t, तो माना 1 + cos x बराबर t। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का क्या हो जाएगा, 0, और cos x का क्या होता है, -sin x, और dt/dx, तो dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो देयरफॉर sin x dx तो चाहिए ही हम लोगों को, रहा माइनस तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin x बटा 1 + cos x dx, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होगा, -dt, तो लिखेंगे आप पहले ये वाला लिख लो, 1 + cos x क्या हो गया, t, 1/t हो गया, और sin x dx के जगह क्या लिख देंगे, -dt, तो माइनस बाहर आ गया dt, ठीक है। और 1/t का मतलब क्या हो गया, log t हुआ ना इंटीग्रेशन, तो -log t + c। तो अब हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो -log t के जगह कौन है, लिख देंगे 1 + cos x + c, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलो तब देखते हैं इस प्रश्न में, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, 1 + cos x = t, माना 1 + cos x = t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos x का -sin x, x का 1 हो जाएगा, और dt/dx होगा इधर, तो dx क्या होगा, गुना होगा, तो इधर क्या बच जाएगा, dt, ठीक है। देयरफॉर अब क्वेश्चन लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x / 1 + cos x² dx, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए sin x dx को क्या लिखेंगे, -dt, तो माइनस बाहर आ गया, dt लिखेंगे, और 1 + cos x को क्या माने, t, तो t का क्या हो जाएगा, square dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, t^-2 dt निकल जाएगा ना। अब क्या करते हैं, +1 करते हैं, तो ये हो जाएगा -t^-2 और +1 -1,
नीचे भी हो जाएगा माइनस टू आ प्लस वन आ प्लस सी। चलिए तो ये माइनस अभी पुट नहीं कर रहे हैं, टी इनवर्स बट्टा माइनस टू आ प्लस वन माइनस वन प्लस सी। तो आप लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच गया केवल टी इनवर्स प्लस सी। टी इनवर्स मतलब टी का क्या मान रखेंगे वन प्लस, तो वन प्लस कॉस एक्स का इनवर्स प्लस सी, यही क्या हो गया। तो हम लोग को कॉट एक्स है तो इसको बदलना पड़ेगा किस में, कॉस और साइन में। तभी चूंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ऐसे होता है ना, तभी बन पाएगा। तो इसको हम लोग पहले चेंज करते हैं क्या चीज़ में, कॉस और साइन में। तो वन प्लस कॉट की जगह क्या लिख देंगे, कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स। अब एलसीएम लेंगे, देख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब बट्टा साइन एक्स होगा ना, साइन एक्स कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अभी चेंज कर रहे हैं, अभी इसे इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं लगाए हैं, ठीक है ना, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी चेंज ही कर रहे हैं। अब इसको हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रहने देंगे और साइन एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, टू साइन एक्स। तो इसके लिए वन बाई टू इधर किए, अब वन बाई टू किए हैं ऊपर में भी देखिए टू साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ना। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों करेंगे, तो सवाल बनाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा करना है, जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा, कॉटेक्स वाला फॉर्म जब सवाल रहेगा कॉटेक्स वाला, तो हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसको हम लोग लिख लेंगे, टू साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एक बार लिख दिए, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे वाला के जैसा लिखने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, टू साइन एक्स हो गया, आ कॉस एक्स प्लस आ माइनस कट गया, तो आ गया कि नहीं ऊपर वाला बराबर। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, ऊपर वाला नीचे वाला एक जैसा हुआ ना, देयरफॉर हम लोग को अब क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये नहीं लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू कहाँ आ गया, बाहर, वन बाई टू बाहर आ गया, तो क्या चीज़ का बच गया अंदर में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिख रहा है, प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद वन बाई टू जो है उसमें भी गुना रहेगा ना, प्लस वन बाई टू, दोनों में है ना गुना, वन बाई टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब उस साइड लिखते हैं, उस साइड लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वन बाई टू और इंटीग्रेशन तो रहेगा, ये कट के क्या आ गया वन, तो वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, ठीक है, प्लस वन बाई टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो ये क्या हो गया वन बाई टू इंटू एक्स, प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि अगले वाला का निकाल के हम लोग सी क्या कर देंगे, एक ही साथ लिख देंगे, ठीक है, प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना हम लोगों को है, चूंकि एक का इंटीग्रेशन हो गया दूसरा का भी हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं। इसको खाली सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, माना ऊपर वाला लाना है तो नीचे वाला का होगा, तो देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो खाली माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ना। तो चलिए माना नीचे वाला लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स,
अब दोनों में क्या चीज़ से गुना होगा, डी एक्स इजक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और आया क्या हम लोग का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देयर फोर ये वन बाई टू नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब समीकरण में एक में रखेंगे तो लिख देंगे वन बाई टू, ठीक है। तो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन लिख दिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कि नहीं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, ठीक है। तो माइनस कहाँ आ गया, बाहर, डी टी रह गया, नीचे वाला क्या है टी, तो वन बाई टी, माइनस यहाँ बाहर है डी टी, ठीक है। और वन बाई टी डी टी का क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, ठीक है, टी का वैल्यू क्या है, तो माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये मान आ गया हम लोग का क्या, दूसरे वाला का इंटीग्रेशन करके। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक से डायरेक्ट लिख देंगे क्या, समीकरण एक से, समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक में क्या था, एक्स बाई टू था, तो एक्स बाई टू लिख देंगे प्लस क्या था, वन बाई टू, इसके जगह पर क्या आया है ये, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस को हटा देते हैं, क्या लिख देंगे, माइनस माइनस वन बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो गया। अच्छा चलो, तो ये भी सुधार देते हैं, 33 वन बाई वन माइनस टेन एक्स। तो पहले सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तब हम लोग इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, चिन्ह देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले वन बाई, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसको चेंज करेंगे टेन को साइन कॉस में, तो हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपको, ऊपर चल जाएगा कॉस एक्स, और नीचे का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, अब नीचे की तरह ऊपर को बनाने के लिए कॉस एक्स को किससे गुना करेंगे, टू से, तो नीचे भी वन बाई टू से करेंगे ना मल्टीप्लाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद जैसे उसमें किए थे, हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ना, उसी रूप में लिखेंगे वन बाई टू, इसको वन बाई टू को रहने देते हैं, सबके साथ है, वन बाई टू लिख दिए, टू कॉस एक्स को हम लोग अब बदल दे रहे हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दिए, ठीक है, प्लस फिर से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख देते हैं, इससे क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टू कॉस एक्स, ऊपर वाला बैलेंस हो गया, और नीचे वाला वैसे ही लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो आप जानते हो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड होकर सेम हो जाएगा वन, तो अब एक स्टेप अलग अलग करके लिखते हैं, यानी वन बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या आ गया, वन, ठीक है, प्लस वन बाई टू, आइए ऊपर वाला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स माइनस साइन, ठीक है। अब हम लोग क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, तो इधर चलो इधर करते हैं, देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ, इसी का ना इंटीग्रेशन करना है, इसी के बदले ना ये सब आया, तो वन बाई टू कहाँ हो जाएगा, बाहर, वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन बाई टू कहाँ हो जाएगा, बाहर, इंटीग्रेशन किसका बच जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, एक्स प्लस, इसका तो नहीं होगा एक बार में इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर समीकरण क्या मान लेंगे, वन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स माइनस
साइन एक्स डी एक्स, इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग, इसका इंटीग्रल निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, माना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस तो है पहले से, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। तो कॉस एक्स और डी एक्स इधर आ जाएगा, डी एक्स पूरा ऐसे तक लिख देते हैं, ठीक है, बराबर डी टी। दोनों में कॉमन क्या हो गया, माइनस, माइनस कॉमन ले लोगे तो उधर चला जाएगा ना, तो माइनस डी टी हो गया, इधर कहाँ बच गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऊपर वाला आ गया, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो देयर फोर इंट्रीगेशन वन बाई टू नहीं लिखेंगे, वो तो पुट करेंगे वैल्यू तो हो जाएगा, वन बाई टू को छोड़ देंगे, इंट्रीगेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या है माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया और डी टी रह गया, और ये हो गया वन बाई, इसको कितना माने टी, ठीक है, वन बाई टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है वन बाई टी का, तो माइनस लॉग टी प्लस सी, टी का वैल्यू क्या है, तो माइनस लॉग टी का वैल्यू लिख देंगे क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब समीकरण वन से, समीकरण वन से पुट कर देंगे इस पे वैल्यू, समीकरण वन कहाँ था, यहाँ है समीकरण वन, तो क्या हो जाएगा वन बाई टू एक्स या एक्स बाई टू, एक ही बात हुआ, प्लस इन टू माइनस, माइनस हो गया और वन बाई टू रहेगा ना, वन बाई टू लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन है रूट अंडर टेन एक्स साइन एक्स बटा सॉरी बटा साइन एक्स कॉस एक्स, तो ऊपर जैसा पहले बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टेन बनाना है तो टेन बनाना है तो नीचे वाला में क्या चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा कॉस एक्स से, साइन में क्या से डिवाइड करेंगे कि टेन होगा कॉस, कॉस एक्स हो गया, लेकिन अब जब यहाँ डिवाइड किए तो गुना भी करना पड़ेगा ना, तो पहले से एक कॉस था और एक कॉस हो गया, तो कितना हो गया कॉस स्क्वायर, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए हैं केवल डिनोमिनेटर यानी नीचे जो है हर कहते हैं ना, हर में कॉस एक्स से डिवाइड भी किए और गुना भी कर दिए, अब फायदा क्या हुआ, साइन एक्स बटा कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं टेन एक्स, तो लिख देंगे टेन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए ये रूट में है और ये बिना रूट का है, तो नीचे रूट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा वन बाई रूट अंडर टेन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको अलग रखते हैं, वन बाई रूट अंडर टेन एक्स, अब वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ किसका सेक स्क्वायर एक्स बट्टा रूट अंडर टेन एक्स डी एक्स, इसी का निकालना है ना, अब माना किसके बराबर मान लेंगे टेन एक्स बराबर, टेन एक्स बराबर क्या मान लेंगे टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे टेन एक्स का तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डी टी बटा डी एक्स होगा ना, तो डी एक्स इजक्वल टू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे डी टी। तो अब देखिए देयर फोर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, ये हो गया वन बाई रूट टी, ठीक है, वन बाई रूट टी का मतलब हुआ टी का पावर माइनस वन बाई टू ऊपर गया तो डी टी, तो क्या करेंगे प्लस वन करेंगे, क्या हो जाएगा टी का पावर माइनस वन बाई टू या प्लस वन बाई प्लस वन, वन बाई टू हो गया और डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस सी। अब हम लोग क्या है वन बाई टू जो है ऊपर जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू, और टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या है टेन एक्स, वन बाई टू का मतलब क्या होता है, ये तो चला गया टू ऊपर, टी का पावर वन बाई टी क्या होगा रूट टी या प्लस सी, अब वैल्यू पुट कर दो टू रूट अंडर टी का वैल्यू पुट कर दो क्या हो जाएगा टेन एक्स या प्लस सी।